रेडी रेडी स्टार्ट। वास्तव में योग मनुष्य को अनेक बीमारियों से तो मुक्त रखता ही है, साथ ही उनमें बेहतर सोच एवं सकारात्मक ऊर्जा भी पैदा करता है। यूं भी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में विज्ञान की प्रगति के कारण मानव जीवन जिस तरह मशीनों पर निर्भर रहने लगा है, उसके लिए शारीरिक एवं मानसिक तौर पर स्वस्थ रहना किसी चुनौती से कम नहीं। मशीनों पर निर्भरता एवं व्यस्तता के कारण आज मानव शरीर तनाव, थकान, बीमारी इत्यादि का घर बनता जा रहा है। उसने हर प्रकार की सुख सुविधाएं हासिल कर ली, किंतु उसके सामने शारीरिक एवं मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने की चुनौती पूर्ववत है। यद्यपि चिकित्सा एवं आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में मानव ने अत्यधिक प्रगति कर अनेक प्रकार की बीमारियों पर विजय प्राप्त कर ली है, किंतु इससे उसे पर्याप्त मानसिक शांति तो प्राप्त हो गई ऐसा कहना पूर्णतः सही नहीं होगा, किंतु भारतीय संस्कृति की एक प्राचीन विद्या ने मानव को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ मन की शांति के संदर्भ में रोशनी की एक ऐसी किरण प्रदान की है जिससे न केवल तनाव, थकान, बीमारी एवं अन्य समस्याओं का समाधान संभव है, बल्कि मानव मन को शांति प्रदान करने में भी उसकी भूमिका अहम है, और वह योग है। 20वीं सदी में जब योग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलनी शुरू हुई तो इस पर संपन्न अनेक वैज्ञानिक शोधों ने यह साबित कर दिया कि आधुनिक जीवन में मानव को शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ रखने में योग ही सक्षम है। हर आयु वर्ग के स्त्री पुरुष योगाभ्यास कर सकते हैं, किंतु योग की जटिलताओं को देखते हुए योग प्रशिक्षक का पर्याप्त अनुभवी होना आवश्यक है, अन्यथा इससे लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। प्रगति के साथ आए प्रदूषण ने मानव का जीवन दूभर कर दिया है तथा उसके सामने स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं हैं, तब ऐसी परिस्थिति में योग मानव के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो रहा है। यही कारण है कि इसने विश्व के बाजार में अपनी अभूतपूर्व उपस्थिति दर्ज कराई है। आज हर कोई योग के नाम पर धन कमाने की इच्छा रखता है। पश्चिमी देशों में इसके प्रति आकर्षण को देखते हुए यह रोजगार का एक उत्तम जरिया बन चुका है। इन सबके बावजूद आज की भागदौड़ की जिंदगी में खुद को स्वस्थ एवं ऊर्जावान बनाए रखने के लिए योग बेहद आवश्यक है। वर्तमान परिवेश में योग न सिर्फ हमारे लिए लाभकारी है, बल्कि विश्व के बढ़ते प्रदूषण एवं मानवीय व्यस्तताओं से उपजी समस्याओं के निवारण के संदर्भ में इसकी
सार्थकता और भी बढ़ गई है। ब्रह्म